आन टीवी के दिलचस्प मुनफरिद और मजे से भरपूर शोज और ड्रामास देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। ना तुम्हें खबर ना हमें खबर है। शाहान को होश आके आए हैं। उसने अपने बाबा को बुलाया, अपनी मामा को बुलाया। मेरा ख्याल है तुम्हारा भी इससे मिलना ठीक नहीं है। और वैसे भी शाहान को इस वक्त इलाज की और अपने माँ बाप की शदीद जरूरत। सिंह जी सच बत नहीं, नहीं, वो सिर्फ अपने माँ बाप को पुकार रहा और उसके जहन में सब कुछ नहीं है। क्यों, क्या हुआ उसे? हल्का सा बुखार है, वैसे मैंने उसे दवा दे दी, आराम कर रही है। प्लीज उसे बुला दें, उसे भी मेरे पास होना चाहिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। आदिल का दोस्त बात कर रहा हूँ। आदिल को कॉल कर रहा था, स्विच ऑफ मिल रहा है। बेटा वो तो सिर्फ फ्लाइट पर होगा, वापस आ रहा है। ओके, आ जाए तो कहिएगा जिशांग की कॉल थी। मरवा दिया, मरवा दिया। शाहान, तुम्हें पता है कि जीनत की किससे शादी हुई है? भला बताओ तो सही मुझे। सलमान भाई से तुम्हारे घर आए थे, बहुत शर्मिंदा थे, इतनी माफियां मांगी हैं कि क्या बताऊं तुम्हें। लेकिन अब जीनत पप्पो तुम्हारी बहुत खुश हैं सलमान भाई के साथ। रोज आती है तुमसे मिलने के लिए, लेकिन तुम उनसे बात ही नहीं करते, उदास होकर वापस चली जाती है। अब जब कल आएगी ना जीनत, तो उससे बात करोगे तुम, समझ गए? सुन रहे हो ना शाहान, मैं क्या कह रही हूँ? जी। अच्छा, मैं ना तुम्हारी पसंद के खाने बनाऊंगी जो तुम्हें पसंद है। खाओगे ना मेरे हाथ से? ऐसा करते हैं कि शॉपिंग पर चलते हैं, बहुत सारी शॉपिंग करते हैं। तुम्हारे सारे कपड़े तो हो गए पुराने, अब नए लेने पड़ेंगे ना। मरी का प्लान कर लेते हैं, बहुत दिनों से निकले नहीं ना घूमने के लिए, मरी चलते हैं। क्या ख्याल है तुम्हारा? अबीर, अबीर घर पर नहीं है, वो जीनत के साथ गई है। उससे तो मेरे पास होना चाहिए था ना। आ जाएगी, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? अब लिस्ट बना लो जल्दी से कि शॉपिंग पे चलेंगे तो क्या क्या लेना है तुमने, ठीक है? फिर उसके बाद मरी का प्लान करते हैं। आज मैं ऑफिस से जल्दी क्यों आया था? क्यों? क्योंकि आज मेरा प्लान था कि हम कहीं बाहर जाते हैं, खाला भी बाहर ही खाएंगे। तो फिर गए क्यों नहीं? सिचुएशन ही कुछ ऐसे हो गई थी, कुछ कर ही नहीं पाए। पता है वो वक्त बहुत याद आता है जब हम मरी में थे तो, और तुम मुझे लिफ्ट ही नहीं करा रही थी। वो वक्त क्यों याद आता है? पता नहीं, उस वक्त में एक कसक थी, एक दर्द था। वो कसक, वो दर्द खत्म होने का दुख हो रहा है? नहीं, मैं उसे फिर से महसूस कर रहा हूँ। क्या कहा? आराम से लेट जाओ, आज मुझे तुमसे बहुत बातें करूंगा। हाँ तो करो बात। मैंने अपनी बेटी के लिए बहुत से नाम सोचे हैं। और मैंने हमारे बेटी के लिए। क्या हुआ? कुछ नहीं। अच्छा बताओ क्या नाम सोचे? नहीं, पहले तुम बता। मैंने सोचे हैं सारा, फातिमा, हीरा भी हो सकता है। तुमने क्या सोचा? मैंने सोचे हैं बेटी के लिए आलियार या आरिस इस लाइस बोल्ट
I know. आपने तो लगता है वाकई सोच रखे हैं। Yes. वाकई सोच रखे हैं। Actually. से प्यार पागल अच्छा मेरी बात तो सर अजय अबीर 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 पीर खोलो दरवाजा पीर भूख लग रही है अबीर अबीर पीर खोलो दरवाजा पीर भूख लग रही है बीर अब शाहान 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 बेटा यहाँ क्या कर रहे हो भूख लग रही थी मैं बोला बीर से बोलता हूँ कि खाना ला के दे दे वो दरवाजे ही खोल लिया मुझसे कह देते मैं दे देती वो सो रही है ना उसे डिस्टर्ब क्यों कर रहे लेकिन काफी देर से दरवाजा नहीं खुला शाहान मेरे साथ आओ मैं तुम्हें खाना दे रही शाबाश आ जाओ मैं देती हूँ खाना तुम्हें आ जाओ शाबाश वो क्यों दरवाजा खोल लिया मैं दे रही हूँ ना खाना ताई जान ले ली उसे मैं उसे देख के आऊँ बीर समझने की कोशिश करो खुदा का शुक्र अदा करो कि वो ठीक हो रहा है आ जाओ बेटा खूब दरवाजे को ही खोल रही अभी बेटा थकी भी होगी ना सो गई होगी इसलिए नहीं खोल रही मैं दे देती हूँ तुम्हें खाना लेकिन ऐसे कैसे सो गई कि दरवाजे नहीं खोल रही इतनी देर से मैं खड़े होकर उसे बोले जा रहा था मैं दे रही हूँ ना खाना आजुश मैं बेर में खाना दे रहा हूँ ना आप क्यों तकलीफ कर रही तुम सो जाओ Thank you.
ज्यादा देर इस हकीकत को नहीं जपा पाएंगे। मम्मी ठीक कहती हैं, तुम्हें पुप्पो की तरफ चले जाना चाहिए। नहीं हुमायूं, ये जुल्म होगा। किसके साथ? शाहान के साथ। जो होना था हो चुका है अबीर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसे इस तरह छोड़ के चली जाऊं। वो बार बार मेरा नाम लेता है, मुझे पुकारता है और कब तक? आखिर कब तक अबीर? ठीक हो जाएगा तो वो तुम्हें जाने देगा क्या? नहीं अबीर, बेहतर यही है कि तुम पप्पो की तरफ चली जाओ। वो चीखेगा चिल्लाएगा, हम संभाल लेंगे उसे। प्लीज अबीर, मैं नहीं चाहता कि उसके ठीक होने तक उसे किसी बात का पता चले, सिर्फ वो मजीद पागल हो जाए। अल्लाह ना करे। अच्छा ठीक है, तुम अपना जरूरी सामान पैक कर लो, मैं ऑफिस जाते हुए पप्पो की तरफ छोड़ दूंगा तुम्हें। जानते हो जो भी हो रहा है बहुत बुरा हो रहा है, कब से तुमसे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक छोटा सा काम कहा था मैंने उनसे करने के लिए और उनसे वो भी नहीं, चांद भाग गया तो मुझे अब बताओ। आई वॉज ट्राइंग टू रीच यू, योर फोन वॉज स्विच्ड ऑफ। ऑब्वियसली आई वॉज ट्रैवलिंग, बट यू स्टेड इन दुबई फॉर 3 डेज। अरे छोड़ो, ये बताओ करना है, कहाँ ढूंढना है इसको? मुझे समझ नहीं आया, इसलिए आई वॉज ट्राइंग टू रीच यू। लेने की कोई जरूरत नहीं हो, आराम से सो जाओ। अब पहले की तरह अलग अलग कमरों में तो सो नहीं सकते। इसलिए गुड नाइट। बेगम साहबा, क्या बात है? वो आदिल साहब है ना? आदिल आ गए? उन्हें पुलिस पकड़ के ले गई बेगम साहबा। क्या कह रहे हो तुम? मैंने खुद देखा है उनको अपनी आंखों से। सर शायद आप ये फाइल ढूंढ रहे हैं। मेल्स का रिकॉर्ड। इसमें हमने तमाम क्लाइंट्स कन्वर्ट कर दिए और तमाम डेटा भी इसके अंदर सेव। थैंक यू सर, मेरी दुआ है कि वो जल्द से जल्द। वो अरेस्ट हो चुके हैं मुनीर साहब। सर वो पाकिस्तान आ गए ना? जी, एयरपोर्ट से घर पहुंचते वो गिरफ्तार हो गया और ये रिपोर्ट हमें नासिर ने दी। नासिर? सर नासिर वही जो हमारे यहाँ काम करता था? जी, उसकी मदर और आदिल की मदर आपस में दोस्त है, इसलिए उसने रिपोर्ट हमें दी। बहुत खुशी की बात है, ये तो कमाल ही हो गया। जी हेलो, जी सलमान भाई मैं बस पहुंच रहा हूँ। ओके, मुझे निकलना होगा। सी यू। आप यकीन कीजिए वकील साहब, मेरा बेटा बिल्कुल बेकसूर है। जी जी बिल्कुल, आप सबसे पहले उससे मिलवाने का इंतजाम कीजिए। क्यों ना जाऊं हवालात, वहां मेरा बेटा है।
आप जल्दी कीजिए प्लीज प्लीज। जीनत क्या कर रही भाभी? क्या करने, बस शाहान को देख देख कर रोए जा रही। भाई साहब बेचारे का भी बुरा ही हाल, समझ में ही नहीं आ रहा सारा मामला उलझ सा गया। कैसा मामला? यही कि आखिर आदिल ने शाहान के साथ ऐसा क्यों किया, फिर अबीर को पास आया। भाभी मुझे लगता है कि आदिल इस घर में भी ना अबीर की वजह से ही आया होगा, और जो कुछ उसने शाहान के साथ किया ना वो भी अबीर की वजह से ही किया होगा। ये मामला तो तभी हल होगा जब कुछ बताने के लायक होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारी बेटा आदिल की अम्मी आई थी। वो अरेस्ट हो चुका है अम्मी। क्या क्या कहा उसने? उसने क्या कहना है, उसने हमसे तो कुछ नहीं कहा, लेकिन जो कुछ भी पूछ गछ करनी है वो पुलिस करेगी। उसके आने से पहले मैंने मुनीर साहब के साथ मिलकर तमाम सबूत इकट्ठे कर लिए थे, बस ठीक वक्त का इंतजार था, वो भी आ गया। अल्लाह ताला ने बहुत मदद की है हमारी, शुक्र है सब टाइमिंग के साथ हुआ। शाहान कैसा है? कैसा होगा, वो लुटकी में लेटा हुआ है। चलो मैं खाना लगवाती हूँ। चलो ये क्या बदतमीजी है, हाथ छोड़ो मेरा। गुस्से में तो और खूबसूरत लगती हूँ। हाथ छोड़ो वरना। वरना क्या करूँ, शोर मचा और उसके बाद क्या होगा, मुझे बदनाम हो जाओगे। अब बदनाम भी तो उसे बर्दाश्त है। तुम जानती नहीं हो मैं शबीर तुम मेरे साथ किस तरीके से फंस गए। था ना मैंने तुमसे कहा था ना मैंने कि मुझे वो शख्स अच्छा नहीं लगता, मुझे कुछ महसूस होता है लेकिन तुमने मेरी बात सुनी नहीं। अभी बहुत बड़ी गलती होगी मुझसे, बहुत बड़ी गलती। मैं कैसे उसे समझ नहीं पाया, कैसे? उसे छोड़ना मत हुमायूं, छोड़ना मत, उसे उसका वो हशर करना कि वो। अभी तुम बेफिक्र रहो, उसका बहुत बुरा हशर करूंगा। उसने शाहान के साथ और तुम्हारे साथ जो कुछ किए हैं सख्त से सख्त सजा देना होगा उसे। आज तुम काफी फ्रेश लग रहे हो। उन फूलों की तरह? हाँ बिल्कुल इन फूलों की तरह। अबीर जानती हो कुछ भी नहीं बदला यार। हाँ कुछ नहीं बदला। चलो आज बाहर चलते हैं। कहाँ? कहीं घूमने फिरने, कुछ खाएंगे कुछ पिएंगे बिल्कुल पहले की तरह। अभी नहीं। अभी नहीं, मगर तुमने तो कहा था कि आदिल पकड़ा गया है और हमें डरने की जरूरत नहीं है। हाँ तो एक काम करते रहा, हुमायूं आ जाए तो फिर चलते हैं साथ में। हुमायूं को आने दे, तुम्हारे और मेरे दरमियान हुमायूं कहाँ से आ गया? It's just you and me, तुम और मैं जाएंगे बस। हाँ चलो एहसानुल्लाह गाड़ी निकालो, चलो आ जाओ ना, तुम क्या जिद कर। हुमायूं वो जबरदस्ती ले गया था शाहान मुझे अपने साथ। अगर कोई मसला खड़ा हो जाता तो? हुआ तो नहीं ना। वीर वीर मैं कैसे समझाऊं तुम्हें, यहाँ मैं मसलों में पागल हो रहा हूँ और तुम? हाँ तो मुझे बताओ क्या करूँ, अगर कोई मसला हल कर सकती हो तो बताओ, बोलो। अगर कोई मसला हल नहीं कर सकती ना तो नया मसला खड़ा करने की जरूरत भी नहीं है तुम्हें, समझी? हुमायूं Thank you.
नजर है, ना तुम्हें खबर ना हमें खबर है। हमारी आंखें कब तक ऐसे चलता है? अमीर को अपना जितना ख्याल रखना चाहिए सब, वो तो और लापरवाह होती जा रही है। सारा दिन तो वो शाहान के पास बैठी रहती, और शाहान भी सारा दिन हाथ पकड़े बैठा रहता है, कहीं हिलने भी नहीं देता उसे। और तुम? मैंने तो अबीर को पप्पू को घर छोड़ने का फैसला कर लिया था, मगर देखो मायू, मैंने तुमने हमेशा भाई साहब और भाभी का साथ दिया, कभी भी पीछे नहीं हटे। उनकी हालत देखकर मुझे भी बहुत दुख होता, मैं भी बहुत रोई हूँ। लेकिन बेटा ऐसा ना हो कि मैं और तुम रोते रह जाएं और हमारे साथ कोई ना हो। अबीर को अब समझ जाना चाहिए कि जो रिश्ता उसका और शाहान का पहले था वो अब नहीं है। शाहान को भी बहुत जल्द मालूम हो जाए। नहीं अम्मी, आप कुछ नहीं बताएंगे, अबीर को बहुत अच्छा नहीं हुआ। मुझे अच्छा नहीं लगता सारा वक्त उसके साथ रहना अबीर का, मुझे समझ में नहीं है ये बात। हुमायूं, हम इस्लामाबाद क्यों नहीं वापस जा सकते? अम्मी, हम अबीर की डिलीवरी से पहले इस्लामाबाद नहीं जा सकते। ठीक है, तो फिर अपनी आंखें खोलो, कह दो अपनी बीवी को कि दूर आकर इससे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसे इस तरह छोड़ के चली जाऊं। वो बार बार मेरा नाम लेता है, मुझे पुकारता है और शाहान, अच्छा ही पिंटी, वो अच्छी बात जानती हो, अब हम बहुत जल्द शादी कर लेंगे। अभी तुम्हें पता है कि मैं हमारी जिंदगियों में इतनी खुशियां भर दूंगा कि हमारी जिंदगी में जितना भी बुरा वक्त था हम बस भूल जाएंगे उसको। जानती हो भी, हम अपने सारे अधूरे ख्वाब पूरे करेंगे, हम अभी बस हम जल्द से जल्द शादी कर लेंगे। जो भी बुरा वक्त हमारी जिंदगी पे, हम उसे भूल जाएंगे, सारे गम भूल जाएंगे। हुमायूं, अबीर ने मुझे सब कुछ बता दिया कि किस तरह तुमने इसकी हर मामले में हर लम्हे मदद करी। मैं चाहूं भी तो हर एहसान नहीं चुका सकता हूं। और किस तरह तुमने मम्मा को संभाला, बाबा को संभाला, और आप कभी भी मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकूं तो मैं हाजिर हूं बॉस। मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे दूंगा, अपनी जिंदगी कुर्बान कर दूंगा तुम्हारे लिए, क्योंकि जो तुमने कुछ किया है उसके आगे कुछ भी नहीं है मेरे दोस्त। जान कहने में और देने में बहुत फर्क होता है शाह। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम, लेकिन आजमा लेना बॉस। आजमाऊंगा, लेकिन एक बार पहले तुम ठीक हो जाओ। मैं
बिल्कुल ठीक हूँ भाई। तुम ठीक नहीं हो शाहान, तुम्हारी मेडिसिन चल रही है ना, ज्यादा चला फिरा ना करो, आराम किया करो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बट थैंक यू माहियोन। मैं एक मिनट है। बहुत दूर जो खो गया है, जागती है मेरी जिंदगी अब, जाने क्यों ये नसीब सो गया है, अधूरी रह गई अब ये कहानी, याद आई है कोई याद पुरानी। हुमायूं हर वक्त हर कदम हर लम्हा मेरे साथ साथ रहा, ना जाने कैसे ये राह गुजर है, कभी भी मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकूं तो मैं हाजिर हूं बॉस। मैंने शाहान को हर बात बताई और सिर्फ सुनकर वो हुमायूं को अपनी जिंदगी अपनी जान तक देने की बात कर गया। मैं किस भंवर में फंस गई हूँ, एक तरफ शाहान है और दूसरी तरफ हुमायूं। कितना हौसला, कितना जब्त है हुमायूं के अंदर, कितनी हिम्मत से वो ये सारा वक्त गुजार रहा है। मुझे शाहान के साथ देखकर भी, शाहान के जुमले उसकी बातें सुनकर भी, शाहान को पता चलना चाहिए कि अबीर अब उसकी नहीं रही। जी अम्मी। पानी सर से ऊंचा होने लगा हमारे। तुम जल्द घर आओ, अब हमें फैसला करना ही होगा। अम्मी मैं अभी नहीं। बेटा शाहान ने भाभी और भाई साहब से शादी की ख्वाहिश जाहिर की, अब इस मामले को एक तरफ करना होगा, वरना वरना क्या अम्मी क्या, उसको आज भी पता चल रहा है कल भी पता चल रहा है। मैं घर आता हूँ तो बात करते हैं। ओ अबीर, ये किसकी शर्ट है? हुमायूं की। हुमायूं की शर्ट मायरूल? शकीला है ना, उसने कपड़े धोए थे तो मेरे कपड़ों के साथ यहाँ ला के रख दी। काफी वेट गेन ले लिया तुमने, जानती हो ना मेरे मोटी लड़कियां बस नहीं हुई, टाइटिंग शाइटिंग करो क्या हो गया। अम्मी बाबा से इन्होंने हमारी शादी की बात कर ली, तुम बाहर लॉन में जाके क्यों नहीं बैठते? मैं क्यों, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है? बाहर बैठते हैं ना लॉन में, अच्छा ही पियेंगे और फिर बात करते हैं। जाओ ना शाम में आती हूँ। बैठ गया रहा। हाँ मायूं, अबीर ने मुझे सब कुछ बता दिया। किस तरह तुमने इसकी हर मामले में हर लम्हे मदद करी,
मैं चाहूं भी तो हर एहसान नहीं चुका सकता हूं। और किस तरह तुमने मम्मा को संभाला, बाबा को संभाला, मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे दूंगा, अपनी जिंदगी कुर्बान कर दूंगा तुम्हारे लिए, क्योंकि जो तुमने कुछ किया है उसके आगे कुछ भी नहीं है मेरे दोस्त। पानी सर से ऊंचा होने लगे हमारे, तुम जल्द घर आओ, अब हमें फैसला करना ही होगा। बेटा, शाहान ने भाभी और भाई साहब से शादी की ख्वाहिश जाहिर की, अब इस मामले को एक तरफ करना होगा, वरना जाने में इतनी देर क्यों लगाती? कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हो? काम था। अच्छा ठीक है, तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ, फिर खाना साथ में खाते हैं। तुमने खाना नहीं खाया अभी तक? नहीं, तुम्हारा इंतजार कर रही थी ना। आज कोई खास बात है? नहीं, बस ऐसी, मैं जानती हूँ कि तुम अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखते हो, सारा दिन बस काम काम और परेशानियों और बिहेव कर रही हो, कोई परेशानी है तुम्हें क्या? मैं जानती हूं कि तुमने शाहान की बात सुन ली थी और मुझसे नाराज होकर चले गए। तुम मेरी कंडीशन बहुत अच्छी तरह समझते हो, मैं जिस सिचुएशन में हूं मैं खुद शाहान के पास नहीं रहना चाहती, मगर मैं समझता हूँ अभी, और मैं तुमसे नाराज होकर नहीं गया था, पर मैं थमके हो यार, मेरी समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। पता है, आज शाहान कमरे में आया था, तुम्हारी शर्ट से यहाँ पड़ी थी तो सवाल करने लगा, मेरे लिए बात संभालना मुश्किल हो गया था। इसका मतलब है मैं कमरा अलग करूँ?